ओम शांति। आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल सीख द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और अब हम ट्राई करते हैं परमात्मा की गाइडेंस से, उनकी ब्लेसिंग से, गला 7:13 है थोड़ा थोड़ा, कि आज की हम रिकॉर्डिंग करें और आप तक ये ब्लेसिंग पहुंच पाए। तो परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम उनको फॉलो करें ताकि हमें हर कार्य में सफलता मिले और हम परमपिता परमात्मा के सबसे पहले बच्चे आदम या जिसको कहते हैं ब्रह्मा को फॉलो करें और ब्रह्मा के आचरण में चलें ताकि हम ब्रह्मचारी कहलाए जाएं या ब्राह्मण कहलाए जाएं। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल ये नहीं है कि आप पवित्रता में रह रहे हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का सही अर्थ है कि आप परमपिता परमात्मा के पहले बच्चे ब्रह्मा की सोच, बोल और कर्म को बिल्कुल हूबहू कॉपी करें ताकि आप उन समान बन पाए। तो परमात्मा कहते हैं, फॉलो फादर करते हुए सपूत बन हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भव। कहने का अर्थ क्या है? जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान है, मतलब इक्वल है, क्योंकि जो बाप के कदम वो आपके कदम। जो हम ब्रह्मा बाबा के कदम हैं उनके अगर हम कदमों पे अगर हम कदम मिलाकर चलें, उनकी सोच, उनके बोल, उनके कर्म करने के तरीकों को फॉलो करें, कॉपी करें, तब हम सच्चे सच्चे ब्रह्मचारी बनते हैं। बाप दादा सपूत उन्हें कहता जो हर कर्म में सबूत दे। किस चीज का सबूत दे? कि हाँ, मैंने सोचा, बोला और कर्म किया परमपिता परमात्मा के पहले बच्चे ब्रह्मा के जैसे। सपूत अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले, कि जब हम परमपिता परमात्मा की बात मानते हैं, उनके लाडले बनते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे कि परमपिता परमात्मा का स्वयं हाथ हमारे ऊपर है, जबकि उनका कोई फिजिकल हाथ तो है नहीं, वो तो निराकार है ऐसे, लेकिन ऐसे महसूस होता है जैसे कि उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, उनका सपोर्ट हमारे साथ है। दुनिया में भी कहते हैं ना, अगर अपने माता पिता की बात मानते हो, उनके कहना मानते हो, तो ऐसा है जैसे कि उनका आशीर्वाद आपके साथ चल रहा हो और हर कदम पर आपको सफलता प्राप्त होगी। तो परमात्मा के केस में भी सेम यही मान्यता है। फिर बाबा कहते हैं, सपूत अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। जहां बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ है, वहां सफलता है ही। इसलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। कहने का अर्थ क्या है? हम इतने वरदान सुनते आ रहे हैं, ये चैनल पे हर दिन हम वरदान सुनते आ रहे हैं, और अगर सारे वरदानों को अगर हम सुन करके उनको अप्लाई करें अपनी लाइफ में ताकि हमारी दिक्कतें कम हो जाए, तो वो ऐसा महसूस होगा जैसे कि परमात्मा ने स्वयं अपना हाथ हमारे सर पर रखा हुआ है। तो उनकी श्रीमत की क्या सही है क्या गलत है, इसको फॉलो करना, ताकि चूंकि हम ज्ञान से पाते हैं, सेम डिस्क कोर्स के बाद में जो हमें ज्ञान और मिलता है उससे पाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं हमारा साथी बन करके हमें गाइड कर रहा है। तो आज का ये श्री वरदान इसी के साथ में। ओम शांति।